आपके साथ शमशेर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। प्रयागराज सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंदावा में मूर्तियों का हुआ विसर्जन। प्रयागराज जिले के अंदावा तिराहे पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच मूर्तियों का हुआ विसर्जन। आपको बताते चले कि नवरात्र की समाप्ति विजयदशमी के पर्व पर बुधवार को शहरी क्षेत्र की मूर्तियों का विसर्जन प्रयागराज जिले के अंदावा महेंद्र सिंह तालाब पर सुबह से ही प्रशासन की देखरेख में मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। सुबह से लेकर शाम 3 बजे तक कुल 250 मूर्तियों का विसर्जन किया जा चुका था। विसर्जन के दौरान जिलाधिकारी प्रयागराज संजय कुमार खत्री के निर्देशन में SDRF, NDRF, जल पुलिस, रैपिड एक्शन पुलिस, उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी सहित भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा था। विसर्जन के दौरान शास्त्री पुल से लेकर अंदावा तक मूर्तियों से लदी गाड़ियों का रिला देखने को मिला। भक्त नाचते गाते ढोल नगाड़े के साथ माता रानी के जयकारे के साथ विसर्जन स्थल तक पहुंचकर मूर्तियों का विसर्जन कर रहे हैं। तालाब के चारों तरफ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। तालाब के पास भीड़ ना लगे इसके लिए अधिकारी द्वारा बराबर निर्देशित किया जा रहा है। प्रयागराज से अनिल कुमार की रिपोर्ट। जेटी नंबर 2 पर एक भारी प्रतिमा का विसर्जन कराते हुए उपस्थित पुलिस, जल पुलिस के लोग, उनके निर्देशन में कमेटी के लोग बहुत ही सुचारू ढंग से प्रतिमाओं का विसर्जन करा रहे हैं। विसर्जन के पूर्व संदेश यही देना है कि सब जो विसर्जन में आज यहाँ शामिल हो रहे हैं बहुत शांतिपूर्वक, हर्षोल्लास से, लेकिन शांतिपूर्वक एक अनुशासन बना करके, मतलब ये जो कहावत है जोश में होश न खोने वाली बात है, उसको दृष्टिगत इस विजयादशमी के पर्व को, दशहरा के पर्व को खुशहाली पूर्वक ये संपन्न हो, यही संदेश है। और बाकी सुबह से विसर्जन यहाँ पर चल रहा है और अभी तक 200-250 के आसपास मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है। अच्छी खासी ड्यूटियाँ लगी हैं और तमाम विभाग के लोग यहाँ सक्रिय हैं, शामिल हैं यहाँ पर, और हम लोग कटिबद्ध हैं कि यहाँ पर ये अंदामा पर जो मूर्ति विसर्जन चल रहा है ऐसा कुशल संपन्न हो। और सभी जनपद वासियों, नगर वासियों को दशहरा विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको मैं SP हाईकोर्ट सिक्योरिटी अशोक कुमार वर्मा। आज यहाँ पर महेंद्र सिंह जी के तालाब पर प्रतिवर्ष की पिछले 4 वर्षों से यहाँ पर मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है और बड़े ही सुचारू ढंग से इसमें सभी हमारे DM साहब और हमारे SSP साहब और इसमें सभी विभाग, जो हमारा जल निगम, PWD, सिविल डिफेंस और हमारे जल पुलिस के लोग यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर जो शहर के अंदर मूर्ति आ रही हैं उनका सुचारू रूप से यहाँ पर विसर्जन कराया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 नावें लगी हुई हैं और जल पुलिस के जवान उसमें तैनात हैं और 3 जेटियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। सुरक्षा के सारे प्रबंध किए गए हैं, इसमें गोताखोरों को लगाया गया है किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। और यहाँ पर सभी वरिष्ठ अधिकारी हर विभाग के यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ में हमारे डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस नरेंद्र शर्मा जी भी यहाँ पर हैं। और यहाँ पर सिविल डिफेंस की आप देख रहे हैं कि करीब सैकड़ों लोग वार्डेंस यहाँ पर तैनात किए गए हैं जो जेठियों पर उनको सहयोग प्रदान कर रहे हैं जो लोग मूर्ति विसर्जन के लिए आ रहे हैं। और बड़े अच्छे ढंग से पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ पर इस तालाब के अंदर मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है और इसके बाद लोग यहाँ से अपने 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 गंतव्य को जा रहे हैं और देख रहे हैं कि कितने अच्छे से धार्मिक भावना के साथ और बड़े खुशी से लोग यहाँ पर अपने मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं। धन्यवाद। की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिलाधिकारी, माननीय जिलाधिकारी महोदय, उनके निर्देश थे कि
अंदावा में इस तालाब में मूर्ति विसर्जन किया जाएगा, तो सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर ली जाएँ, तो उसी सपेक्ष में सिविल डिफेंस को भी लगाया गया। नागरिक सुरक्षा को वॉलंटियर्स के माध्यम से ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, एक मंच संचालन होता रहे, उद्घोषणा होती रहे, साथ ही जो जाम लगता है उसमें यातायात व्यवस्था करते रहें, और जो जेटी पे मूर्ति विसर्जन के लिए आए तो एक सीमित एक डिसिप्लिन में वो सब काम हो, किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना ना हो, इन सब चीज़ कार्यों के लिए सिविल डिफेंस को लगाया गया है। आप देख रहे हैं लगभग हमारे 100 से अधिक वॉलंटियर्स शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं, प्रातः 7 बजे से सभी लोग यहाँ उपस्थित हो गए थे और प्रत्येक शिफ्ट में वो अपने अपने ड्यूटियाँ कर रहे हैं। धन्यवाद। आपका शुभ नाम सर? मैं नरेंद्र शर्मा, डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस।